जोर उठने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। इस मामले में की दिग्गज डॉन ब्रैडमैन की बराबरी। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का शानदार फॉर्म जारी है। चेन्नई में अपने करियर का 100वां टेस्ट खेलते हुए उन्होंने दोहरा शतक जड़ा। भारत के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो रूट के नाम बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। चेन्नई टेस्ट में जो रूट 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। टेस्ट मैचों में रूट की यह लगातार तीसरी 150 या इससे ज्यादा की पारी है। वह लगातार 150 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। रूट ने इससे पहले श्रीलंका में खेले 2 टेस्ट मैचों में 228 और 186 रनों की पारी खेली थी। लगातार सबसे ज्यादा 150 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकार के नाम है। उन्होंने साल 2007 में 4 बार लगातार 150 प्लस का स्कोर बनाया था। दूसरे नंबर पर विली हेमंट है, उन्होंने 3 बार ये कारनामा किया था। वहीं महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जाहिर अब्बास, मुदस्सर नजर और न्यूजीलैंड के टॉम लेथम भी 3-3 बार ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। चेन्नई टेस्ट में जो रूट एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। वो करियर के 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जो रूट ने इससे पहले श्रीलंका में खेले गए 98 और 99 टेस्ट मैच में शतक जड़ा था। इसके अलावा 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले जो रूट इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं, जबकि ओवरऑल 9वें खिलाड़ी हैं। रूट से पहले इंग्लैंड के कॉलिन और एलेक ने यह कारनामा किया था। अन्य की बात करें तो वेस्ट इंडीज के गॉर्डन, पाकिस्तान के जावेद और इजमाम उल हक और साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और हासिम अमला ने भी यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने दोनों पारियों में शतक जड़ा था। जो रूट इसके अलावा 100वें टेस्ट में 150 प्लस रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के इजमाम उल हक ने यह कारनामा किया था। उन्होंने 2005 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे। जो रूट के बारे में आपका क्या कहना है हमें करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।